सो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे दो स्विच दो सॉकेट का वायरिंग कैसे किया जाता है। जैसे कि पहले वीडियो में हम लोग लिए थे 6 एम्पीयर का दो स्विच दो सॉकेट, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक लिए हैं 6 एम्पीयर का स्विच और सॉकेट, और दूसरा लिए हैं 16 एम्पीयर का सॉकेट और एक डीपी स्विच, जिसमें हम लोग का किचन रूम में अक्सर यूज किया जाता है इस बोर्ड को, जो कि 6 एम्पीयर का एक स्विच एक सॉकेट लिए हैं जिसमें आप ग्राइंडर चला सकते हैं, और एक 32 एम्पीयर का डीपी स्विच लिए हैं और एक 16 एम्पीयर का सॉकेट लिए हैं। तो हमारे इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हमारे इस चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, अभी कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन आप लोग जैसे देख रहे हैं, एक डीपी स्विच और एक 6 एम्पीयर का स्विच है। जैसे कि डीपी स्विच में 4 पॉइंट है, लेफ्ट साइड का एल इन लिखा हुआ है और नीचे में एल आउट लिखा हुआ है। ये है हम लोग का इनपुट और आउटपुट। और राइट साइड में 2 टर्मिनल है, ऊपर में एन इन लिखा हुआ है और नीचे में एन आउट लिखा हुआ है, जो कि न्यूट्रल का आउटपुट है। इसमें फेज और न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन देना पड़ता है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस तरह से हम लोग कनेक्शन होगा। 6 एम्पीयर स्विच के नीचे से एक वायर डालेंगे डीपी स्विच का ऊपर का पॉइंट में, जहाँ पे इन लिखा हुआ है। अभी हम लोग कनेक्शन करेंगे 6 एम्पीयर का सॉकेट का कनेक्शन करेंगे, जो कि राइट साइड जो पॉइंट है वो एल का होता है, लाइन का होता है, जहाँ एल लिखे रहता है, वहाँ से हम लोग एक वायर को, टुकड़ा वायर को 6 एम्पीयर का स्विच का ऊपर का टर्मिनल जो है वहाँ पर हम लोग इसको जॉइंट कर देंगे। अभी हम लोग लो एम्पीयर सॉकेट का कनेक्शन करेंगे, जो कि डीपी स्विच के साथ कनेक्शन होगा। जैसे कि आप लोग दे रहे हैं 3 इसका पॉइंट है, एक एल, एक एन राइट साइड, और बीच का जो है वो अर्थिंग का पॉइंट है। तो जहां एल लिखे रहता है वहां से हम लोग डीपी स्विच का नीचे में जो है एल आउट, वहां से एक वायर निकाल के सॉकेट का एल जहाँ लिखा रहता है वहाँ पर हम लोग इसका कनेक्शन कर देंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस तरह से हम लोग कनेक्शन कर देंगे। और जो लाइट का है, दो वायर है, एक दोनों रेड का, वो दोनों एक लाइन पे और न्यूट्रल पे देना होता है। उसके बाद डीपी स्विच का एन जो है, एन आउट से लेके सॉकेट का 16 एम्पीयर का सॉकेट का जहाँ एन लिखे रहता है वो न्यूट्रल है, वहाँ पे हम लोग इसका कनेक्शन कर देंगे। जैसे कि आप लोग देने, इस तरह से हम लोग इसको कनेक्शन करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए तो आप लोग कनेक्शन आसानी से सीख जाएंगे। उसके बाद ये हो गया कनेक्शन पूरा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, लाइट का भी कनेक्शन कर दें, दोनों नीचे में जो टर्मिनल है उसमें दोनों को जॉइंट कर देंगे। ऊपर का दोनों जो है हम लोग का मेन वायर, वहाँ इनपुट होगा फेज और न्यूट्रल। तो न्यूट्रल से एक वायर लेके जो सॉकेट का 6 एम्पीयर का सॉकेट से एक वायर न्यूट्रल कर लेंगे, और हम लोग का जो डीपी स्विच का मेन न्यूट्रल है वहाँ पर हम लोग इसको जोड़ देंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस तरह से हम लोग इसको जोड़ देंगे। जो डीपी स्विच का एन, जो एन इन लिखा हुआ है, जहाँ पे इनपुट होगा हम लोग का मेन वायर न्यूट्रल, तो वहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे। आउटपुट में देंगे तो फिर स्विच ऑन करने से हम लोग का न्यूट्रल 6 एम्पीयर का स्विच में सॉकेट में जाएगा। तो इसीलिए आप लोग इनपुट पे न्यूट्रल देंगे तो ये हम लोग का 6 एम्पीयर सॉकेट पे डायरेक्ट ही न्यूट्रल चला जाएगा। और जो 16 एम्पीयर सॉकेट है वहाँ पर हम लोग जो डीपी स्विच है उसके थ्रू से हम लोग इसका न्यूट्रल देंगे। तो इसका टर्मिनल जो नीचे में है वहाँ से हम लोग इसको कनेक्शन कर देंगे। तो ये हो गया पूरा कनेक्शन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और जो ब्लू वायर है वो दोनों अर्थिंग को हम लोग जोड़ देंगे, जो कि आप लोग को शॉर्ट सर्किट, जैसे कि करंट वरेंट लगता है तो उसमें आप लोग को बचाने का काम करता है। तो अर्थिंग का भी ज़रूरी रहता है, जहाँ फ्रिज कूलर चलते रहते हैं वहाँ अर्थिंग देना ज़रूरी है। सो फ्रेंड, वीडियो से कुछ सवाल, कुछ सुझाव है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। और एक नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के फिर मिलते हैं।